मनीषा जी बाहर आ जाइए ना, नहीं नहीं बाहर इधर 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 ये साइड आ जाइए, इधर आओ ना, चलो ना उधर, इधर आओ ना, आपको मिलेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मस्त मस्त, बढ़िया। मनीषा रानी की तरह बिंदास। आपका वेट कर रहे थे, कैसा माहौल चल रहा है आपका आजकल बिग बॉस के निकलने के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया मस्त। मनीषा, जो बहुत जल्द हमें आप देखने को मिले स्क्रीन पे? हाँ है, बट अभी रिवील नहीं कर सकते, मना किया गया, बट जो भी होगा सोशल मीडिया में आप लोगों को पता चल जाएगा। मनीषा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस में सब चीजें हुई अभिषेक के साथ, जो कि पार्शियलिटी हुई मेरे ख्याल से लगता है और जनता के हिसाब से, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई? क्योंकि पूजा भट्ट से उनका जो मतभेद था और जो इनकी जो सोच विचारों में जो मतभेद था, और पूजा ने भी बहुत कुछ कहा, अभिषेक ने भी बहुत कहा, उसका हट जाना तो कहीं अभिषेक को भूलना नहीं पड़ा इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एल्विस जीता तो एल्विस को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे थे, नो डाउट अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो ऑलरेडी विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता, बट एल्विस भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता है तो इसमें आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया। बाहर उसका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है कि फिर वो जीत गया, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पूजा का जो अरे पूजा का मेरे को क्या पता है, क्या अभी चल रहा है? थैंक यू सो मच। अरे मनीषा रानी, आप देखो मनीषा जी, हाँ मुझे बहुत अच्छा, थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए, हम हमेशा कहते हैं वी आई 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 फील प्राउड टू बी एन इंडियन। थोड़ा रुक जाओ ना, रुक जाओ, आपको पता है 2 बजे ना सच में एक अपॉइंटमेंट है बहुत जरूरी, तो आप रुको तो पहले कहीं तभी था आप लोगों को सब चले भाई स्पेस में। अरे रुको ना मनीषा जी, रुक के आई लव यू, तो हाँ चलो एक फोटो आपको जाना यहीं पे, यहीं पे लेना, यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मनीषा जी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सामने, हाँ यहाँ सामने इनके कमरे, हाँ यहाँ पे मनीषा जी, मनीषा जी यहाँ पे रुकिए ना, मनीषा जी बहुत दिन बाद जिस तरह अभिषेक बिग बॉस के बाहर आने के बाद उसने अपना रिव्यू किया कि मेरे साथ कितना गलत हुआ था, कि मेरे सिम कट कर दिए गए थे अपने ब्लॉग में, उसने बताया मनीषा, मैंने वो ब्लॉग नहीं देखा कसम से, बट आपका कोई ऐसा प्लान है जो आपका भी कोई सिम बिग बॉस में कट कर दिया गया? जो नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम जब से निकले हम एक एपिसोड नहीं देखे, क्योंकि अभी इतना कुछ आ रहा है ना कि एपिसोड देखने का, हाँ रील्स जो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे रील्स आ रहे हैं तो मुझे वही देखे खुशी हो रहा है। मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि मुझे ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, बिग बॉस ने क्या किया, कौन सा सीन काटा नहीं काटा, बट लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, तो पसंद कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वही चाहिए था कि लोग मुझे पसंद करें, और जो पसंद कर रहे हैं तो फिर अब बिग बॉस क्या दिखाए नहीं दिखाए, बिग बॉस की वजह से आज जो भी है कहीं ना कहीं बिग बॉस की वजह से, तो हम बिग बॉस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि 24 घंटा लाइव था और ऑडियंस मुझे 24 घंटे लाइव देख के समझ गए कि मनीषा रानी कैसी है, तो और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ। और हम अपने ऑडियंस, अपने फैंस को हमेशा कहेंगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका जनता होता है, और मेरा कोई नहीं था, आप लोग ने मुझे बनाया, तो थैंक यू टू ऑल माई फैंस, और हम हमेशा बिग बॉस को भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से ही मुझे इतना नाम और प्यार मिला, तो मुझे बिग बॉस ऐसे कुछ शिकायत नहीं, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा तो ये मेरे लिए इनफ है, आई एम हैप्पी। भैया निकलो, गाइस प्लीज मूव बैक। और मूवी कब आ रही है?